नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूं मैं टाक मैनिटर स्टोरी के पार्ट टू के साथ। दोस्तों, पार्ट वन में जैसा कि हमें पता लगा था कि कॉर्बेट रात को रुके थे जंगल में, जहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी जिसको मैनिटर ने मारा था। वो रात भर वहां रुके, लेकिन मैनिटर वापस नहीं आया, बल्कि तिवारी और आइवर्सन जब वापस कैंप में लौट रहे थे कॉर्बेट के मचान में सेटल होने के बाद, तो मैनिटर उनके पीछे कैंप तक आ गया था। कॉर्बेट ने उसकी लास्ट कॉल सुनी थी नीचे वैली से। और दूसरे दिन जब वो कैंप में वापस आए तो उन्होंने सारे रास्ते में मैनिटर के पैरों के निशान देखे थे। तो ये घटना थी 27 अक्टूबर की। 28 को कुछ लोगों ने उस मैनिटर को देखा था। 27 को जब शाम को मैनिटर नीचे आया था, तो रात को उसने किसी समय लदिया रिवर को क्रॉस किया था कॉर्बेट के कैंप के पास में, और क्रॉस करने के बाद वो दूसरी जगह जंगल में चला गया था। वो जंगल झाड़ियों का बना हुआ जंगल था, और वहां से एक शॉर्ट रास्ता जाता था टनकपुर की ओर। लेकिन जब से मैनिटर का आतंक इस इलाके में हुआ, तब से लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया था, क्योंकि उसे वो अनसेफ मानते थे। तो 28 को क्या हुआ कि आइवर्सन, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे 3 डिस्ट्रिक्ट के और सीनियर मुलाजिम थे, तो उनके साथ उनके स्टाफ के कई लोग थे, उनकी चिट्ठियां ले जाने वाले लोग भी थे। तो उनके जो मेल कैरियर्स थे, वो लोग उस दिन सुबह लेट हो गए कैंप में। तो लेट होने की वजह से उन्होंने सोचा कि वो इस शॉर्ट रास्ते से जाएंगे और मेल को टनकपुर पहुंचा के आएंगे। तो दो जने जब उस रास्ते से जा रहे थे, तो आगे वाला जो व्यक्ति था, जो कि बहुत चौकन्ना था, तो उसने देखा कि टाइग्रेस कुछ दूर रास्ते के किनारे एक झाड़ी में छुपी हुई है। झाड़ी के अंदर वो व्यक्ति अलर्ट था, फॉर्चुनेटली, तो उन्होंने आगे जाने के बजाय वो लोग वापस कैंप में आ गए। कॉर्बेट और आइवर्सन उसी समय टाग से आके कैंप में पहुंचे थे, तो उन्होंने फटाफट अपनी राइफल पकड़ी और इन लोगों के साथ वहां चल पड़े। वहां जाने के बाद इन्होंने एरिया का जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो इन्हें वहाँ जमीन में टाइगर्स के पैरों के निशान मिले। वो जगह मिली जहाँ पर टाइगर्स ऊपर पहाड़ी से रास्ते में कूदी थी, जहाँ पर वो रुकी थी, और उसने इन लोगों का पीछा भी किया था जब ये वापस कैंप की ओर आ रहे थे। हालांकि टाइगर्स का कोई ट्रेस उन्हें नहीं मिला, वो काफ़ी कॉशियसली वहाँ पर मूव कर रहे थे। तो उन्हें कुछ दूर झाड़ियों में ऐसा लगा कि कोई जानवर जा रहा है। इसके अलावा उन्हें टाइगर्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। अगले दिन 29 को एक टीम आई टास्क से उनके पास, जिन्होंने बताया कि कल जंगल में जब उनके मवेशी गए हुए थे, उनमें से एक बैल वापस नहीं आया। जब गांव के लोगों ने खोजबीन शुरू की और उस जगह पहुंचे जहां से बैल गायब हुआ था, तो उन्हें जमीन में कुछ खून के निशान मिले। तो उन लोगों ने बताया कॉर्बेट को कि उन्हें आशंका है कि टाइगर ने उसे मार दिया है। तो आइवर्सन और कॉर्बेट फटाफट ब्रेकफास्ट करके उन लोगों के साथ चल पड़े टाग। उस जगह पहुंचे जहां पर बैल को मारा था टाइगर ने, तो उन्होंने जमीन का इन्वेस्टिगेशन किया, तो वहां पर उन्हें यह कंफर्म हुआ कि टाइगर ने ही बैल को मार रखा। उसके बाद वो ड्रैग मार का पीछा करने लगे। आइवर्सन, कॉर्बेट और उनके साथ दो तीन लोग और थे। तो जंगल में टाइग्रेस उसको लेके पहले तिरछा गई थी, उसके बाद
नीचे वैली में अपने शिकार को लेके गई थी। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वैली में एक जगह दो रॉक्स के बीच में इस बैल के सींग फंस गए थे। बैल काफी बड़े साइज का था, तो जब वहां पर वो फंस गया तो टाइगर्स उसे निकाल नहीं पाई। लिहाजा उसने वहीं पर उसके हाइंड क्वार्टर से कुछ पार्ट खाया और बाकी का पार्ट वहीं पे छोड़ दिया। अब जो टाइग्रेस उसे लेके आई थी, क्योंकि उसके पास बोझ था तो उसके पैरों के जो निशान बने थे वो काफी दबे हुए बने थे, तो उनसे यह अंदाज लगा पाना कठिन था कि यह मैनीटर ही है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चांस था मैनीटर को मारने का, उसे वो लोग खोना नहीं चाहते थे। लिहाजा कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर बैठेंगे। पास में एक पेड़ था तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को उस पेड़ में चढ़ाया। वो कुछ रस्सियाँ भी लेके आए थे, तो उस रस्सियों की मदद से उन्होंने उनसे कहा कि वो पेड़ में एक मचान बनाए। तो जैसे ही कॉर्बेट के लोग पेड़ पे चढ़े तो नीचे वैली में टाइगर ने गरजना शुरू कर दिया। कॉल पे कॉल दिया जा रहा था, तो कॉर्बेट ने उनको इशारा किया कि भाई वो फटाफट मचान बनाएं और नीचे उतरें। तो उन लोगों ने जितनी जल्दी हो सके एक मचान बनाया और नीचे उतरे। फिर कॉर्बेट पेड़ पे चढ़े। मेन टाइम आइवर्सन अपने राइफल लेके तैयार बैठे थे ताकि अगर कोई अचानक अटैक हो गया तो उसका वो सामना कर सकें। उसके बाद वो कॉर्बेट को वहाँ छोड़ के उन साथियों को इकट्ठा करके कैंप में चल पड़े। तो काफ़ी देर तक टाइगर रोर करता रहा, लेकिन वो शिकार के पास वापस नहीं आया। तो जाहिर था कि जिस समय कॉर्बेट और उनके साथी वहां पर पहुंचे तो टाइग्रेस कहीं आसपास ही सोई हुई थी, और जैसे ही उसने उन लोगों को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा और अपने पुराने एक्सपीरियंस से उसका यह पता था कि पेड़ पे चढ़ने का क्या मतलब होता है, तो उसने नीचे से कॉल करके इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद कॉर्बेट पूरी रात बैठे रहे, टाइगर्स वापस नहीं आए। उसके बाद वो पेड़ से उतरे और सुबह एवर्सन उनको लेने के लिए आए हुए थे, उनके साथ वो वापस कैंप में चल पड़े। और वहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि क्योंकि इस शिकार का काफ़ी हिस्सा बचा हुआ है, अभी काफ़ी मील है उस पर, तो टाइग्रेस जरूर इस पर वापस आएगी। तो दिन में जब वो लंच करके वापस आए तो उन्हें ये पता चला कि टाइग्रेस ने उस किले को छोड़ दिया है। इसके दो दिन बाद कॉर्बेट के जो जहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया था उसके पास में उन्होंने एक बेट बांधा हुआ था और उसके पास में एक रेविन थी। उस बेट को टाइगर ने मार दिया था। तो जो ये खबर लेके आए थे उन्होंने बताया था कि उस बेट को मारने के बाद उसकी रस्सी तोड़ के टाइगर उसे लेके गया हुआ है। तो कॉर्बेट और एवर्सन वहाँ चल पड़े ब्रेकफास्ट करने के बाद, और उन्होंने उस रेवीन में उस ड्रैग मार का पीछा करना शुरू किया। उस रेवीन में वो काफ़ी आगे तक चलते रहे। कॉर्बेट कहते हैं कि पिछली दफ़ा वो जब वो चूका मैनीटर को मारने यहाँ आए थे तो इस रेवीन में वो कई बार नीचे ऊपर गए थे, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक की। ये रेवीन सीधी थी और आगे जाके एक जगह बाईं तरफ मुड़ती थी, और जहाँ पर ये बाएं मुड़ती थी उसके आगे कुछ दूरी पर कुछ पेड़ उगे थे जो 2 से 6-7 फीट तक ऊंचे थे और उनकी काफ़ी घनी ग्रोथ वहाँ पर थी। वहीं पर एक पानी का छोटा सा तालाब भी था। यह एक आइडियल जगह थी टाइग्रेस के रेस्ट करने की,
कॉर्बेट कहते हैं थे कि वो इस रेवीन में आए तो थे लेकिन उन्होंने इस जगह को मार्क नहीं किया था। तो अब जब वो आइवर्टसन के साथ उस रेवीन में जा रहे थे और जब वो वहां पर पहुंचे जहां पर पानी का छोटा सा तालाब था, तो उन्होंने पाया कि टाइग्रेस वहां पर पानी पी रही थी। उसने इस मोड़ पे आते हुए उन्हें देख लिया था। कॉर्बेट कहते हैं कि ये उनकी मिस्टेक थी, क्योंकि इस जगह को अगर उन्होंने मार किया होगा होता तो वो बहुत कॉशियसली आते और जिस मोड़ पे मुड़ते हुए टाइगर्स ने उन्हें देख लिया था उस पर वो शायद उन्हें देख नहीं पाती, या उसके देखने से पहले वो उसे देख लेते। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो कहते हैं कि टाइग्रेस वहाँ से एक ही जगह जा सकती थी जहाँ पर ये पेड़ों की झुरमुट था, उसके पास में एक खड़ी चढ़ाई थी, टाइग्रेस उसमें चली गई थी। कई चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने उस चढ़ाई पे जाना ठीक नहीं समझा, लिहाजा वो रेवीन में ही आगे चलते रहे और आगे चलने के बाद वो घूम के उस जगह पहुंचे जहां वो समझते थे कि टाइगर्स गई हुई है। उस एरिया में बहुत सारे बरसाती नाले थे, लिहाजा जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने टाइगर्स के जो निशान थे वो खो दिए थे। अब उन्हें पता नहीं लग रहा था कि टाइगर्स एक्चुअली गई कहां। बहरहाल उन्होंने इस किल को अभी देखा नहीं था, लिहाजा वो वापस आए, फिर से रेवीन में आए और उस किल को खोजने लगे। तो थोड़ी देर में उन्हें वो किल मिल गया जो कि एक बफेलो काफ का था, उसका कुछ पोर्शन खाया हुआ था। और जब उन्होंने उसके आसपास देखा कहीं कोई बैठने की जगह, तो कहीं कोई सुइटेबल जगह थी नहीं, कहीं कोई पेड़ नहीं था आसपास जिसमें वो बैठ सकते थे। तो उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो आसपास कहीं जमीन में बैठ जाए, लेकिन इसके दो ऑब्जेक्शंस थे। वो कहते हैं कि अगर टाइगर्स ने वापस आते हुए उन्हें देख लिया, या उसे कुछ आशंका होगी कि आसपास कोई बैठा है, तो वो इस किल को भी परमानेंटली छोड़ देगी जैसे उसने पहले वाले के साथ किया है। और दूसरी पार्ट ये था कि अगर उन्हें जाते हुए लेट हो गया, वापस लौटते हुए देर हो गई, तो रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था और उस घने जंगल में अंधेरे में चलने में उन्हें पूरी तरह से आदमखोर की मर्सी पर रहना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने वहाँ रुकने का आइडिया छोड़ा और वापस कैंप में लौट गए। अगले दिन सुबह जब आइवर्टसन के साथ कॉर्बेट वहाँ पहुँचे जहाँ किल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने पाया कि टाइगर्स रात को आके किल को लेके गई है। उसके बाद उन्होंने बहुत कॉशियसली उस किल को ढूंढना शुरू किया। कहीं पास में एक साल का जंगल था, टाइगर्स उस तरफ लेके गई थी किल को। बहुत खोजने के बाद, चढ़ाई में चढ़ने के बाद उन्हें वो किल मिल गया। और किल तब मिला जब वो बिल्कुल उसके पास में पहुंच गए थे। क्या उसका कुछ पोर्शन खाया हुआ था, और जैसे कॉर्बेट और आइवर्टसन उस किल को देख रहे थे, उस बचे हुए पोर्शन को देख रहे थे, तो उन्हें टाइगर की गुर्राहट सुनाई दी। बिल्कुल सामने राइट साइड से गुर्राहट आ रही थी, तो दोनों जने अपनी राइफल को लेके तैयार हो गए किसी सडन अटैक को फेस करने के लिए। काफी देर तक वो इसी तरह खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे जहां से उन्हें ये आवाज आई है गुर्राहट की। तो कॉशियसली चलते हुए ये लोग उस जगह पहुंचे
वहां पर उन्होंने देखा कि एक प्लेन जगह है, छोटा सा फील्ड है, जिस पर टाइग्रेस ने अपनी सोने की जगह बना रखी है। वहां पर पत्तियां और जो घास पड़ी हुई थी वो दबी हुई थी, तो जाहिर था केल को खाने के बाद टाइग्रेस यहां पर रेस्ट कर रही थी। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद एक खड़ी चढ़ाई थी। जब ये लोग वहां पर पहुंचे, ये वो जगह थी जहां से इनको यह गुर्राहट सुनाई दी थी। तो टाइग्रेस वहां से जा चुकी थी, तो ये कॉशियसली उसमें आगे बढ़ने लगे, तो इन्होंने कुछ देर में कैलिस फेजेंट्स की आवाज सुनी। टाइग्रेस वहां से चढ़ाई में चढ़ी और उसके बाद नीचे वैली में चले गई, और रास्ते में उसने कुछ कैलिस फेजेंट्स को डिस्टर्ब किया जो अलार्म कॉल दे रहे थे, जिनको कॉर्बेट और आइवर्टसन ने सुना था। तो कॉर्बेट कहते हैं कि अब उसे उस वैली में फॉलो करना यूजलेस था, लिहाजा वो वापस आए, और उन्होंने निश्चय किया कि वो इस किल पर बैठेंगे। उन्होंने पास के पेड़ सेलेक्ट कर लिए जिस पर वो बैठेंगे। वो कैंप में वापस आए और लंच करने के बाद फिर वापस चले गए। आइवर्टसन और कॉर्बेट दोनों पेड़ में बैठे। करीब 4-5 घंटे तक वो पेड़ में बैठ के वेट कर रहे थे टाइगर्स के वापस आने का, लेकिन टाइगर्स वापस नहीं आई। लिहाजा वो पेड़ से उतरे और वापस कैंप में आ गए। अब कॉर्बेट कहते हैं कि एवर्टसन को जितना रुकना था यहाँ वो रुक गए हैं, अब उनको अपने काम के लिए जाना था। लिहाजा दूसरे दिन सुबह वो अपने 50 लोगों के साथ वहाँ से चल पड़े अस्कोट की ओर, जहाँ उन्होंने एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करना था। अब कैंप में सिर्फ 3 जने रह गए थे, एक कॉर्बेट थे और उनके 2 सर्वेंट्स थे। कॉर्बेट कहते हैं कि उनको आइवर्टसन ने एक प्रॉमिस करवाई थी। प्रॉमिस ये थी कि अकेले कॉर्बेट कहीं जंगल में किसी किल पर बैठेंगे नहीं, और 1-2 दिन से ज़्यादा अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। कॉर्बेट ने उनको प्रॉमिस कर दिया। तो आइवर्टसन के जाने के बाद कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने अपने कैंप में आग जलाने के लिए खूब लकड़ियाँ इकट्ठी की अपने लोगों के साथ, और शाम को जाके वो लदिया रिवर जो है उसके किनारे देखने लगे, इन्वेस्टिगेट करने लगे कि कहीं टाइग्रेस ने नदी क्रॉस तो नहीं कर दी है। तो वहाँ जाके उन्हें यह पता चला कि अभी टाइग्रेस उन्हीं की साइट में है। दूसरे दिन सुबह वो अपने लोगों के साथ चल पड़े। अभी तक जो उनके बेट से बधे हुए थे जंगल में, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या उनको चारा पानी देने का काम आइवर्टसन के लोग कर रहे थे, लेकिन अब कॉर्बेट के लोगों ने यह काम करना था, तो कॉर्बेट भी सुबह उनके साथ चल पड़े। सुबह उन्होंने काफी एरिया घूमा, लेकिन कहीं भी उन्हें टाइग्रेस के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। फिर दिन में वो लदिया रिवर में फिशिंग के लिए चले गए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने वही प्लान सोचा था कि शाम को जाके वो नदी के किनारे कहीं किसी बड़े पत्थर में बैठ के उसके पास में जो मैदानी इलाका है उस एरिया को अपने बाइनोकुलर से छानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं उन्हें टाइगर्स दिखाई दे। तो आज जब वो जा रहे थे तो जब नदी के जो पानी बह रहा था उसके शोर से वो कुछ दूर निकले, तो उन्हें अपनी बाई तरफ एक काकड़ की अलार्म कॉल सुनाई दी। तो उस अलार्म कॉल को सुनने के बाद
कॉर्बेट आगे बढ़े और थोड़ी देर उन्होंने देखा कि और थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि सामने टाइग्रेस के फ्रेश पैरों के निशान बने हुए। उन्होंने उनको फॉलो किया उस तरफ जहां से वो आए थे, तो उन्होंने देखा कि पत्थर अभी भी गीले हो रहे हैं जिन पर टाइग्रेस ने पैर रखा हुआ था और उसने नदी क्रॉस की थी। तो कहते हैं कि उन्हें कैंप में कुछ देर हो गई, उन्होंने जो फिशिंग के लिए जो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे उनको रखने में और एक कप चाय पीने में वो लेट हो गए, नहीं तो शायद वो टाइग्रेस से उनका आमना सामना हो जाता। इसके बाद कॉर्बेट अगले 2-3 दिन और वहां रुके, कहीं उन्हें टाइग्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद 7 नवंबर को सुबह उन्होंने अपना कैंप डिसमेंटल किया। जब वो डिसमेंटल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 20 मील दूर टनकपुर जाना था, वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो वापस जाना चाह रहे थे, तो कॉर्बेट कहते हैं कि आसपास के गांव के बहुत सारे लोग उनके कैंप में आ गए और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उन्हें इस मैनिटर के साये में छोड़ के न जाए। तो कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि अगला जब भी उन्हें मौका मिलेगा, जब भी उनके पास चांस होगा यहाँ आने का, वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार उन्होंने टाक मैनिटर को मारने के अभियान का पहला फेज यहाँ पर ख़त्म किया और 20 मील चल के टनकपुर आए, वहाँ से ट्रेन पकड़ी और 9 नवंबर को करीब 1 महीने की अब्सेंस के बाद वो वापस अपने घर नैनीताल पहुँचे। तो दोस्तों, ये था टाक मैनिटर हंटिंग अभियान का पार्ट 2। पार्ट 3 यहीं से शुरू करेंगे और जल्दी ही उसे लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।